सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे बैठे वायरलेस सोल्डरिंग आयरन कैसे बना सकते, ठीक है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक एल्युमिनियम का पाइप ले लेनी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं लेनी और ज़्यादा मोटी भी नहीं, और एक एल्युमिनियम का ढक्कन लेना है। और याद रखिए, यह एल्युमिनियम का भी की होना चाहिए। उसके बाद आपको इन दोनों को फिक्स कर देना है, ठीक है। फिक्स करने के इसको आप स्टिक भी कर सकते हैं, पर अभी मैं स्टिक नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको एक वायर लेना है, उसके इसको पाइप के अंदर से लेके जाना है और बाहर निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक दूसरा वायर भी लेना है, जिसको आपको जो पाइप है वहीं पर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपको अपने पाइप में होल करना होगा, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ये देखिए, अभी छोटा सा होल है। उसके बाद अभी मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँगा। मैं ये वायर को अंदर डालने के साइज का नहीं है, ठीक है। मैंने इसके अंदर एक होल कर लिया। अब मैं इसको अंदर डाल देता हूँ। ध्यान रखिए, जो आपका वायर जो अंदर से निकला है वो बीच बीच में छीला होना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसके बाद फिर आपको एल्युमिनियम का कैप लेना है, उसके वाइट वायर को निकालना है, ग्रीन वायर को भी उसके अंदर से निकालना है, ठीक है। निकालने का वो कुछ ऐसा दिखेगा ये। उसके बाद आपको एक कोई भी सा डब्बल ले लेना है। मैं इसका डब्बल लेता हूँ। उसके बीच में एक होल होना चाहिए, कुछ इस टाइप से। तो इसके अंदर से आपको लेके जाना है दोनों वायर्स को और ये ढक्कन को। यहाँ पर ढक्कन को बाहर रखना है, एक बात बता दूँ, अंदर नहीं लेके जाना है ढक्कन को। उसके आपको फिक्स कर देना है। मैंने यहाँ पर टेप से फिक्स किया है। मैंने यहाँ पर टेप से इसलिए फिक्स किया है क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो जाए तब भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपको एक पैन की रिफ़िल लेनी है। उसके बाद पैन की रिफ़िल से इसको निकाल देना है, जो उसके सामने का वो रहता है उसके। तब भी उसके बाद आपको सामने की जो पैन की होती है उसको निकाल देना है। और ये निकल गई है पैन की। रुको, कैमरे में दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ ऐसी टाइप की होगी। उसके आपको इसकी इंक थोड़ी साफ कर लेनी है, कुछ इंक है। उसके बाद आपको अपना जो सोल्डरिंग आयरन है उसको लेना है, उसके जो वायर उसको फिक्स कर देना है उस सोल्डरिंग आयरन के साथ। ध्यान रखिए, जो आपका एल्युमिनियम का है उसको आपको उस पैन की जो सामने की लीड होती है उसके साथ टच होना चाहिए, जो एल्युमिनियम का है उसके आपको टच कर देना है। मैं प्लायर की मदद से कर रहा हूँ। ये साइड हो गया टच। उसके बाद आपको कुछ ऐसी प्रकार के सर्किट ले लेना है। अगर आपके पास USB है तो आप USB से भी कर सकते हैं। मेरे पास अभी ये है तो मैं इससे कर रहा हूँ। और इसमें तीन वायर्स है, तो मैं आपको देखना है कि किस जगह दो वायर्स है उसको उसमें से एक हटा देना है। तो इस जगह मेरे को दिखे, यहाँ पर दो वायर्स है तो यहाँ से एक वायर हटा देता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ। अभी दो वायर बचे हैं, ये काम के हैं।
सिस्टम है, इसको जल्दी से सोल्डरिंग आयरन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक होल भी बना के रखा है इसके साइज का, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर इसको आपको कनेक्शन दे देना है, तो मैं जल्दी से इसको कनेक्शन दे देता हूँ। तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो मैंने उसको कनेक्शन दे दिया और मैंने इसके पीछे ढक्कन भी चिपका दिया है। और ये भी केबल आपको एक बार मैं चला के भी दिखा देता हूँ। तो ये है इसका केबल। अब मैं इसको यहाँ से इससे अटैच कर देता हूँ। तो मैं अटैच कर रहा हूँ यहाँ से, ये अटैच टाइट है, अटैच हो गया। अब इसको थोड़ा गर्म होने के छोड़ते हैं। तो ये गर्म हो चुका है, तो मेरे पास एक सर्किट है, तो मैं इसको सोल्ड करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से सोल्ड हो रहा है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, मेरे को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।